बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेसन है, इस लेसन में हम कोटेशन मार्क्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम चलते हैं अपने जो कंटेंट है आज का, उसकी तरफ। आपको मेरी जो स्क्रीन है ये विजिबल हो चुकी होगी। आज का हमारा जो लेसन है, इसमें हम HTML कोटेशन मार्क्स और HTML सिटेशन एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने HTML के अंदर ब्लॉक कोट ऐड करना चाहते हैं, अगर आप कोटेशन मार्क्स ऐड करना चाहते हैं, किसी वर्ड का एब्रीवेशन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कौन से HTML एलिमेंट्स जो है वो यूज करेंगे, ये हम आज के इस लेसन में देखेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता चलूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक HTML टैग है जिसको हम ब्लॉक कोड का नाम देते हैं। आप ब्लॉक कोड के अंदर कोई भी जो अपना सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है, ये नॉर्मल रूटीन से थोड़ा सा, यानी जो आपका बाकी का जितना भी कंटेंट है, ये क्या करेगा, ब्लॉक कोड आपको नॉर्मल कंटेंट से आपकी जो लाइन है वो थोड़ी सी आगे से स्टार्ट करेगा। ठीक है, मैं इसकी प्रैक्टिकली आपको डेमो दिखाता हूँ, फिर आपको इसका सही समझ लगेगी। प्रैक्टिकल के लिए हम क्या करेंगे, हमें अपना VS कोड चाहिए, तो हम सर्च पे जाएंगे और VS कोड टाइप करेंगे। ये हमारी एप्लीकेशन आ चुकी है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमारी एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो ब्लॉक कोड है उसको ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मैं जिस जिसका नाम कोड डॉट एच टी एम एल रख देता हूँ। जी, तो ये मेरी फाइल जो है ये क्रिएट हो चुकी है। मैं इसको यहाँ से, ये जो हमारे पास एक्सप्लोरर है, इस पर क्लिक करके अपनी फाइल्स को मैं क्या करूँगा, कोलेप्स कर दूंगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस वन जैसे टाइप करेंगे तो हमारी जो एक्सटेंशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी और हमें ये जो सिंबल है ये स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। जी, यहाँ पे हम अपना टाइटल एज यूजुअल देते होते हैं और यहाँ पे हम बॉडी के अंदर अपनी सारी वर्किंग करते होते हैं। यहाँ पे अब मैं आपके लिए एक पैराग्राफ पहले ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पैराग्राफ के लिए आप पी टैग यूज करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कोटेशन मार्क्स इन HTML। मैं इसको एज यूजुअल कॉपी करता हूँ, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूँ। फॉर द सेविंग ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ताकि ये हमारा जो है एक पैराग्राफ की फॉर्म क्रिएट हो जाए। तो ये मैंने मल्टीपल टाइम जिसको कॉपी कर दिया। यहाँ पे अब आप चाहते हैं कि ये जो इसको आप ब्लॉक कोड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप इसके अंदर ब्लॉक कोड ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टूडे लर्निंग मटेरियल, जो भी मैंने इसके अंदर लिख दिया, कोई भी कंटेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एज यूजुअल मैं जस्ट इसको राइट क्लिक करूंगा एंड ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, जैसे कि हम पहले भी इसको करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो जैसे हमने इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दिया, ये हमें हमारी जो आउटपुट है ये लाइव सर्वर के ऊपर शो करवा दी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो कंटेंट आपने ब्लॉक कोड्स के अंदर लिखा है वो देखें, वो आपके पैराग्राफ से थोड़ा सा उसका मार्जिन ज्यादा है। ये देख सकते हैं आप, ये सारी स्पेस जो है लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट कॉर्नर पे, टॉप कॉर्नर पे, ये एम्प्टी है, ब्लैंक है, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी सेंटेंस, जो भी वर्डिंग आप अपने ब्लॉक कोड के अंदर लिखेंगे, वो आपकी नॉर्मल पैराग्राफ से उसका जो मार्जिन होगा, उसका जो इंडेंट होगा, वो थोड़ा सा आगे जाके स्टार्ट होगा। तो ये हमारा पर्पज है जी हमारे ब्लॉक कोड का। इसके बाद ब्लॉक कोड के बाद हमारे पास कोटेशन मार्क्स है। कोटेशन मार्क्स आप क्यों शो करवाते हैं, जब कभी आपने कोई शॉर्ट कोटेशन शो करवानी हो, किसी का कोई जो कॉलेज है शो करवाना हो, किसी ऑथर का कोई नेम शो करवाना हो, तो आप ये जो कोटेशन मार्क्स है ये आप यूज करते हैं। लेट मी शो यू और ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अगेन अपने VS कोड पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसी पैराग्राफ के अंदर, मैं इसको ब्रेक रो करता हूँ, टू टाइम्स करूंगा मैं इसको ब्रेक रो, ताकि ये न्यू लाइन से हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो। यहाँ पे हम लिखते हैं, मैं यहाँ पे कोटेशन मार्क्स लूंगा,
द रियलिटी मैंने इसको नेम दे दिया, ठीक है जी। और यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं नेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है जी। ये मैंने जस्ट छोटा सा अपना जो कंटेंट है वो मैंने लिख दिया, हो चुके। ये हमारा एक पैराग्राफ है तो मैं इसको ऑलरेडी ये हमारे पैराग्राफ के अंदर ही है तो मैं इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये जो आपका है जिसको आप जिसने को आप इन्वर्टेड कोमास में शो करवाना चाहते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को, ठीक है, किसी भी ऑथर के नेम को, ठीक है, या इम्पोर्टेंट बात को, तो आप उसको जस्ट ओनली आपने जो हमारे क्यू टैग्स हैं, कोटेशन टैग्स हैं, इनके अंदर लिख दे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट हमारा एक चैप्टर के अंदर है दैट इज एब्रीवेशन। आप अपनी कोई भी जब आपने कोई फुल फॉर्म लिखी हुई है, मतलब आपने कोई एब्रीवेटेड फॉर्म लिखी हुई है किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वर्ड की, तो आप चाहते हैं कि आपका यूजर जैसे उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाए तो उसको उसकी फुल फॉर्म जो है वो शो हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा, लेट मी शो यू। तो हम इसके लिए जाएंगे अगेन अपने VS कोड पे, यहाँ पे आप करेंगे एब्रीवेशन, हमारे पास टैग है एब्रीवेशन टैग। जब आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके पास एक टाइटल टैग आ जाएगा, टाइटल एट्रीब्यूट सॉरी आ जाएगा। हमने एट्रीब्यूट के बारे में इससे पहले लेसन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो हमने जो टाइटल अपने साइट पे यूज किया हुआ है वो है जी द वर्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैंने टाइटल पास कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास ये जो आपका एब्रीवेशन का ओपनिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है, इसके दरमियान ये एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान आप जो भी लिखेंगे वो आपको एज ए उसका एब्रीवेशन आपको शो हो जाएगा। मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। तो यहाँ पे आप जो भी चीज लिखेंगे इस जगह पे, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखने जा रहा हूँ WHO, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने पेज पे और हम जस्ट इसको रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को। तो यू कैन सी आपको ये बॉटम के ऊपर ये WHO शुरू शो हो रहा है। जैसे ही आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसकी कंप्लीट फॉर्म है वो फिजिबल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एब्रीवेशन टैग है ये आपको फुल फॉर्म शो अप करवाने में मदद देता है, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज एड्रेस। तो आपने सिर्फ जो एड्रेस शो करवाना होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर, आप उसको जस्ट एड्रेस टैग के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आपके पास साइट है, उसके बाद आपने कोई टाइटल देना होता है वर्क को तो आप साइट यूज कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल आपके पास है, बाई डायरेक्शनल क्या करेगा, लेट मी शो यू। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पहले हम लिखते हैं जी एड्रेस टैग। एड्रेस टैग के अंदर हम लिखते हैं अपना जो एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ऑफिस एड्रेस है उसमें लिखते हैं ऑफिस टावर, ये हमारा ऑफिस वन है जी। तो हमारा जो ऑफिस टू है वो यू नो मेरिवेल USA में है, तो हमने ऑफिस वन लिखा एक टावर। सेकेंड फ्लोर जस्ट इमेजिन मैंने इतना ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे BR टैग लिख के इसको लाइन को ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बिहाइंड शेल्फ हम्प मिलेट टाउन फैसलाबाद। तो ये मैंने लिख दिया, मैं इसको जस्ट सेव करूंगा। सेव करने के बाद जाऊंगा अपने ब्राउजर पे और जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए हमारा ऑफिस वन जो है ये थोड़ा सा आपका जो एड्रेस है थोड़ा सा इटैलिक फॉर्मेट में शो होगा आपको। इट मीन्स के ये जो हमारा एड्रेस है इसकी एड्रेस टैग के अंदर आप जो भी डाटा लिखेंगे वो इटैलिक फॉर्मेट में आपको शो होगा। उसके बाद हमारे पास एक जो चीज करवाने वाली है आपको वो है जी बी डू, ये होता है बाई डायरेक्शनल के लिए यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बी डू ऑब्जेक्ट जो है ये यूज करता हूँ, इसकी डायरेक्शन पूछता है तो मैं कहता हूँ इसकी डायरेक्शन RTL कर दो, RTL, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा ना वो ये इसको उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उसको शो करवा देगा लेफ्ट टू राइट। मैं लिखता हूँ दिस इज आवर बी डू डायरेक्शन, ठीक है जी। तो मैंने इसको सेव किया, ब्राउजर पे चलते हैं। ब्राउजर पे जाएंगे तो यू कैन सी आपने ये नोटिस किया, ये बॉटम पे देखें, बॉटम पे आप देख सकते हैं तो आपका जितना भी है
जो भी आपका सेंटेंस है, जो भी आपकी स्टेटमेंट है, वो बेसिकली राइट साइड से लेफ्ट साइड को लिखी जा रही है। तो यानी आपका हर वर्ड, जो आपका हर वर्ड है वो इंग्लिश का राइट साइड से स्टार्ट होता है ना, सॉरी लेफ्ट साइड से हम राइट साइड को लिखते हैं इंग्लिश, बट यहाँ पे अब आपका हर वर्ड राइट साइड से लेफ्ट साइड को जा रहा है। तो ये होता है जी आपका यहाँ पे बाई डायरेक्शनल, जो आपका टैग है इसका पर्पस। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स लर्न करने के लिए, इस कोर्स को अपने फिंगर टिप्स पे करने के लिए, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और rusty.org के साथ आपका जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बना के रखें, ताकि आपको आपके लर्निंग के बाद आपको सर्टिफिकेशन जो है वो भी प्रोवाइड की जा सके। तो उम्मीद है ये लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।